जहानाबाद में वट सावित्री पूजा को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। सुबह से ही महिलाएं 16 श्रृंगार कर बरगद के वृक्ष के पास पहुंचकर पति की दीर्घायु के लिए रक्षा सूत्र बांधती नजर आईं। वट सावित्री पूजा को लेकर जिले में जगह जगह पर महिलाओं ने बड़ी श्रद्धा से बरगद के नीचे पूजा अर्चना कर पति की लंबी आयु की कामना की। वट सावित्री पूजा में शामिल महिलाओं ने बताया कि ये पूजा आस्था से जुड़ी है। वट सावित्री व्रत के दौरान महिलाएं 108 बार बरगद वृक्ष की परिक्रमा कर पूजा करती हैं। पूजन बेहद फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से वापस ले लिया था। शास्त्रों के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए बरगद के पेड़ की आराधना करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुबह से ही वट वृक्ष की पूजा के लिए महिलाएं कतारबद्ध दिखी। देखिए, आज वट सावित्री पूजा है। आज के पर्व बहुत महत्व हम लोग मानते हैं और 16 श्रृंगार करते हैं, बरगद के नीचे पूजा करते हैं, इस वट पर परिक्रमा करते हैं और अपना पति के लंबी आयु के लिए संघर्ष करते हैं। अब आज के दिन हम लोग फास्टिंग पे रहते हैं और ये पर्व माना जाता है अपने पति के लिए, और कल सुबह हम लोग पालन करते हैं। इसी दौरान जहानाबाद में मौसम ने अचानक करवट भी ली। धूल भरी आंधी के साथ आसमान में बादल छा गए, जिससे थोड़ी देर के लिए लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली। बीते कई दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी, ऐसे में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन गुरुवार को सुबह कड़े धूप के बीच मौसम का मिजाज बदला। देखते ही देखते आसमान में काले बादल के साथ धूल भरी आंधी चलने लगी। इस दौरान लोग अपने घरों में घुस गए। थोड़ी देर के लिए सूरज भी बादलों में छिप गया। हालांकि बारिश नहीं होने के कारण फिर से तेज धूप निकल आई। मौसम के बदले मिजाज से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली। जहानाबाद न्यूज़ के लिए मुकेश की रिपोर्ट।